फहद, जारा, मॉम। हाँ कहाँ है यार सब? हम तो रेडी हैं, मॉम तैयार हो गई? पता नहीं यार, आ गई। मॉम कहाँ थी आप? देर हो रही है हम लोगों को। अब चलते हैं। एमर, मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है। अब देखो ना, हमारा और उनका स्टेटस इतना फर्क है, शादी तो देखे वाले लोगों में करनी चाहिए। मेरी बात सुने, मुझे वो पसंद है, काफी नहीं है? आप चलें? हाँ चल। चले भाभी। चलो यार, चलो तुम्हारी शादी, चलो। माशाल्लाह अच्छी अरेंजमेंट हुई है। क्या कमी थी मेरे बेटे एहसान में जो आपके आपाजान ने रिश्ते से इनकार कर दिया? कमी का आपको पता है टाइगर, खिलाता कहाँ से वो? वैसे भी शादी एक जिम्मेदारी का नाम है, उसे उस काबिल तो कर लो। आपने तो बहुत तोपे चलाई है ना, जैसे जब से आई हूँ उसी आमदनी में गुजारा कर रही हूँ, एक मकान, एक दुकान और बस किराया। वक्त है ऐसी बातें करने का टाइगर। अब वो बारात आ गई है। हाँ आई, बारात रिसीव करते हैं। आओ बेटा आई, चलो चलो। मेरे हर हुक्म पे आंखें बंद करके अमल किए। आखिर सारा में बुराई क्या है? खानदान की लड़की, फिर तुम्हारी भाभी जारा की बहन भी है। मैंने आपसे कब कहा कि उसमें कोई बुराई है? जानता हूँ अच्छी लड़की है वो, लेकिन मामा मैं सिर्फ ताबीर से। ताबीर, ताबीर, ताबीर में आखिर इस लड़की ने क्या जादू कर दिया है कि तुम किसी और का नाम सुनना ही पसंद नहीं करते? कोई जादू नहीं किया उसने मेरे पे मामा, कोई जादू नहीं किया। देखो अमर, तुम शायद नहीं जानते, मैं बहुत पहले सारा की माँ को जबान दे चुकी हूँ। तुम्हारी खातिर उसने अपनी बेटी बिठाई रखी, अच्छे अच्छे रिश्ते ठुकरा दिए, पर मैं जब भी तुमसे शादी की बात करती रही तुम टालते रहे। अभी अचानक ताबीर कहाँ से निकल आई? कभी आपने मुझसे इस बात का जिक्र किया? इसलिए जिक्र नहीं किया था कि मुझे तुम पे बहुत मान था। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे फैसले के खिलाफ भी जा सकते। फैसला कर चुका हूँ, शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ ताबीर से। Thank you.
अमर उठ जाओ। हम वापस जाएंगे। क्या बात है मामा, सब ठीक तो है? बहन क्या हुआ है? अहमद मेरी बात सुनो। आगे मैं अभी आया, मैं आया आंटी। क्या बात है मामा, आप छोटी सी बात को लेकर नाराज हो रही हैं। छोटी सी बात? उनकी औकात क्या है और इन्होंने ऐसे सोचा भी कैसे? मामा ये वक्त औकात नापे का नहीं है। आप शायद भूल रही हैं, हम यहाँ बारात लेके आ चुके हैं, निकाह होने वाला है। आप प्लीज तरह की बातें मत करें। मुझे ऐसी बातें करनी पड़ेगी? 20 लाख रुपए, डू यू रियलाइज इट्स 2 मिलियन रुपीज अमर। और एक मेरी बात याद रखो, ये जो छोटे लोग होते हैं यही इस तरह की हरकतें करते हैं, बड़ी बड़ी रकमें हक मेर के लिए लिखवा लेते हैं। खानदानी लोग कभी भी ऐसी हरकत नहीं करते। ये आपके बेटे का होने वाला ससुराल है और तबीर आपकी होने वाली बहू, और इस तरह की गुफ्तगू उनके बारे में आपको जेब नहीं देती। और मैं तुम्हें बता रही हूँ, कल को ये लोग कोई नया तमाशा खड़ा करेंगे और फिर हमारे पर और हमारे खानदान की इज्जत पर धब्बा लग जाएगा। पता नहीं आप क्या सोच रही हैं और क्यों इस तरह की बातें कर रही। अम्मी अजान भाई ने हक मेहर ज्यादा लिखवा दिया। क्या? इसलिए झगड़ा हो रहा है। अजान ने इतना बड़ा प्रश्न मुझसे पूछे बगैर कैसे कर लिया? अम्मी ये तो आप अजान भाई से पूछिए ना। अजान बेटा तुमने इतनी ज्यादा अकमर की रकम क्यों लिखवाई? आपा वो अजान को मैंने कहा था, नए लोग हैं, हैसियत में भी बड़े हैं हमसे। कल किसी बात से नाराज होकर वो लड़की को घर से निकाल देंगे तो उस वक्त क्या करेंगे हम? पूछ तो लेती। अम्मी का ख्याल था कि इतने अमीर लोग हैं और वैसे शादी तो लड़के की जिद से हो रही है, उन्हें भला क्या एतराज होगा? झगड़ा तो हो गया ना। ये सब क्या हो रहा है, कोई मुझे भी तो कुछ बताए। कुछ नहीं बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं जाके रुबाब से बात करती हूँ। कोई मुझे भी तो कुछ बताए। मैं बताती हूँ बेटा, वो बात ये है कि फसूल ड्रामा करके वक्त आया करवाया हमारा। ये लालची लोगों में रिश्ता करने का तुक क्या है? अहमद की मर्जी, मोहब्बत की मर्जी जो बनती है। क्रेजी रुबाब, क्या हुआ है? वाओ हफ्सा, हक मेहर के बहाने इतनी बड़ी अमाउंट मांग ली और अब इतनी मासूमियत से पूछ रही हूँ कि क्या हुआ? I mean, I can't understand one thing. अगर कोई बेतबारी थी, एतमाद नहीं था आपको हम लोगों पे, तो अपनी बेटी हमें सौंपने का इतना बड़ा फैसला क्यों कर दिया? नहीं, ये सब कुछ गलत फहमी के बिना पर है। आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा होगा। प्लीज ये सब मेरी गलत है, इनमें इनका कोई कसूर नहीं, मैं आपसे माफी मांग लेता हूँ। मेरा नहीं ख्याल था कि आपको हक मेहर की रकम पर एतराज होगा। Anyway, ये आप लोगों का आपस का मामला, I don't really care. हमारी तो इंसल्ट हो गई ना, चलो जा।
लेट्स गो। फहद, हम वापस जा रहे हैं। अब चलो तुम। मामा, सॉरी पप्पू, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो लोग इतनी सी बात का इतना बड़ा मसला बना देंगे। बात इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना तो बात बड़ी है। अगर 20 लाख हक महर के लिखवाने थे तो पहले उनसे बात करनी चाहिए थी ना। बहुत बड़ी गलती होगी। आपा, मुझे कतन अंदाजा नहीं था कि ये लोग इतनी सी बात को इतना बड़ा मसला बना दें। तुम जानते हो कि मैं इस लड़की को पसंद नहीं करती, मगर मैंने सिर्फ तुम्हारी जिद के आगे हथियार डाले, क्योंकि दुनिया में मुझे तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कोई चीज अजीज नहीं। आ गई ना यहाँ और क्या किया उन्होंने, तमाचा मार दिया ना हमारे मुंह पर। मैंने एतबार ही नहीं किया, क्या समझाए हमें, हम कोई उठाई गिरे हैं, बदमाश हैं, दौलती हैं, क्या मसला था हमने। बात 20 लाख की नहीं है, मैं 20 लाख अपने जूते की नोक पर रखती हूँ, तुम्हारी खातिर 20 लाख क्या चीज है। असल चीज होती है इज्जत, लेकिन इज्जत और गैरत उन लोगों को समझ में आती है जिनकी इज्जत और गैरत होती है। मुझे तो इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही है कि मेरे दिल चाह रहा है कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मामा, आपसे एक बात पूछूं मैं, खानदान में कितनी शादियां होती हैं? क्या हमने कभी सवाल किया किसने कितना हक मेहर लिखवाया है? ससुराल ने दामाद को, शौहर ने अपनी बीवी को क्या दिया है? नहीं मामा, ये सबका जाती मामला है, हम कोई नहीं होते पूछने वाले, और कोई हम पर हुआ क्यों उठाएगा। तुम क्यों समझ नहीं रहे हो अहमद, क्यों मेरा मुंह खुलवाना चाहते हो? इमेजिन करो कि हमारी फैमिली सर्कल के लोग क्या कहेंगे कि रो बाप अपनी बहू खरीद कर लेकर आई है, कि उसके घर वालों ने बेच दिया उसे। मैं उनकी जबान खींच लूंगा। हम जा रहे हैं अमर, तुम्हें निकाह करना है तो बड़े शौक से करो, मगर याद रखना तुम्हारी जिंदगी में फिर सब कुछ होगा, सिर्फ एक माँ नहीं होगी। मामा रुके, मेरी बात सुने। मामा रब्बावे रब्बावे, एक तू ही सहारा रब्बावे रब्बावे रब्बावे। बहुत दुख की बात है, मुझे तो बेहद अफसोस हो रहा है, मॉम ने इतनी बड़ी बात कह दी और अहमद टस से मस नहीं हुआ। मॉम ऐसे मौकों पर रिश्तों की परख हो जाती है, पता चल जाता है कौन कितने पानी है। और उस लड़की की मोहब्बत में ना अहमद ने हम सब घर वालों को पीछे छोड़ दिया। मॉम बात को समझने की कोशिश करें, जिस लड़की के घर में आने से पहले ही रिश्तों में इतने फासले पैदा हो गए हैं, वो घर में आके पता नहीं क्या घुल खिलाएगी। अब तक आ जाना चाहिए था अहमद, आता है अच्छे से, ऐसा क्यों कर रहे हैं आपकी मदद, हमारे सारे रिश्तेदार वापस जा रहे हैं, मेरी माँ शर्मिंदगी और नदामत से किससे नजरें नहीं मिला रही। अब जाएं, उन्हें वापस लेकर आएं। यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही, जब मामा यहाँ पर आ ही गई थी तो छोटी सी बात को लेकर इज्जत का मसला क्यों बना रही है। अहमद बेटा, हम जीते जी मर जाएंगे, अगर आप लोगों ने ये शादी नहीं करनी थी तो साफ साफ हमें बता देते, वो ऐसा क्यों कर रही है। हमारे यहाँ बेटी की बारात वापस जाना मायूब समझा जाता है। पहर की बात पर उन्होंने बुरा मान लिया है, आप खुदा के लिए उन्हें वापस बुला लो। कभी अजनबी
मेरी बच्ची दुनिया का सामना नहीं कर सकती। लोग तरह तरह के सवाल करेंगे, क्या हुआ, क्यों बारात गई, ये किस किस का जवाब देगी। मेरी बच्ची जिंदा लाश बनकर नहीं जिएगी, लाश बनकर नहीं जिएगी। आंटी आप प्लीज परेशान मत, वो सब बाहर खड़े हैं, हमसे बात करके आए। ठीक है, एक तू ही सहारा रब्बा वे, एक तू ही सहारा रब्बा वे। मॉम अब वजीर वेट करना फजूल है, वो नहीं आएगा, चले। मामा रुके। आ गया, शुक्र है तुम आ गए, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे आपसे बात करनी है, चले मेरे साथ। अब बात करने की कोई कसर रह गई है क्या? मामा बहुत जरूरी बात है, प्लीज आए ना। कम पता नहीं क्या पटियां पढ़ाएगा ये मॉम को। He's so stubborn. देख लेना, बात मनवा लेगा फिर से, भला आप उस लाके वापस ले जाएगा और क्या? नहीं मानेंगी मॉम। मॉम पहले इतना गुस्से में है और वो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ है। जल्दी कर लें, मुझे देर हो रही है, मैंने जाना है। मौलवी साहब बस कुछ देर हो, मैं आपको वापस खुद छोड़ाऊँ, बस थोड़ी देर और वेट करें प्लीज। आप कैसे लोग हैं, ये मामला तो पहले तय करने को होते हैं, अब आप हकमर पे बहस कर रहे हैं। मॉम की समझ नहीं आती, अगर खिलाफ हो ही गई थी तो भला इनकार कर देती ना, स्टैंड क्यों नहीं लिया। ये अहमद हमें डिग्रेड करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता, हद होती है। अब भला मॉम को साइड पे ले जाके बात करने की क्या जरूरत थी, ऐसे जैसे हम तो इसके कुछ लगता ही नहीं है। फहद आई थिंक वी शुड गो। वेट, देखे तो सही मॉम डिसीजन क्या लेती। डिसीजन होती है। मॉम लेट्स गो होम। चलेंगे लेकिन रुसती के बाद। व्हाट, व्हाट इज दिस मॉम? आई टॉक टू यू फादर। मॉम आई कांट बिलीव दिस। सारा चल रहा है यार, लेट्स गो, मेरी खातिर। कम लेट्स गो। आई मीन Thank you.
अजनबी लगे जिंदगी सभी रिश्ते वहमो गुमा लगे कभी अजनबी लगे जिंदगी सभी रिश्ते वहमो गुमा लगे कभी हम सफर लगे रास्ते कभी मंजिलें भी दुआ लगे मिट जाए अंधेरे जो तू कर दे इशारा दे तुझको सदाए तुझको ही पुकारा दे तू किनारा रब्बा वे रब्बा वे रब्बा वे एक तू ही सहारा रब्बा वे रब्बा वे एक तू ही सहारा रब्बा वे कल जाने क्या हो मौला कोई ना जाने किसके नसीबों में है प्यार हजाने मिट जाए अंधेरे जो तू कर दे इशारा दे तुझको सदाए सहारा रब्बा वे रब्बा वे रब्बा वे एक तू ही सहारा रब्बा वे रब्बा वे एक तू ही सहारा रब्बा वे मन है दोनों घायल ना कोई दर ना घर है कश्ती ना कोई साहिल लगता है मुश्किल जीना जहर पड़ा है पीना तू ही बता दे मुझको जाए कहां ये साहिल मिट जाए अंधेरे जो तू सहारा रब्बा वे रब्बा वे रब्बा वे एक तो ही सहारा रब्बा वे रब्बा वे रब्बा वे एक तो ही सहारा रब्बा वे रब्बा वे रब्बा वे एक तो ही सहारा रब्बा वे इधर Thank you.
तौबा तौबा अब्बा, बहुत तेज औरत थी वो रुबाब बेगम। फिर मैंने तो ताबीर के भले के लिए सोचा था कि गैर लोग हैं, पता नहीं किस मिजाज के होंगे। कम अज कम हक महर की बेड़ी तो उनके पाँव में बंधी रहती। अरे भाभी, फायदा क्या की तो उन्होंने अपनी ही मर्जी। हालांकि 20-30 लाख रुपए उनके लिए मामूली सी चीज थी, और वैसे भी ये मियां बीवी के आपस का मामला होता। शायद ताबीर हक महर माफी कर देती। अरे बेटा, उन्होंने तो इस बात को अपनी अना का मसला बना लिया था, और अपनी अना को ऊंचा करने के चक्कर में वो हमारी इज्जत की धज्जियां बिखेरने पर तुल गई थी। एक अजीब तमाशा खड़ा किया हुआ था, बहुत ही ड्रामा खोला है। आगे तुम लोग अपने घर? हाँ यार, पहुंच गए। कैसी है वो अहमर की दुल्हन? अभी उसको उसके रूम में छोड़कर आई, बहुत झगड़ा हो गया था वहां पे, क्या बताऊं तुम्हें। वैसे मॉम ने अपना फैसला क्यों तब्दील कर लिया था अचानक? पुरानी आदत है उन्हें, और ये अहमर बचपन से लेकर आज तक इमोशनली ब्लैकमेल करता आया उन्हें। अहमर ने भी ना उस लड़की के चक्कर में आके सारा को बहुत मायूस किया, और आपकी मॉम ने भी तो मेरी मम्मी को इतने सालों से उम्मीद दिला के रखी हुई थी कि सारा का रिश्ता कहीं पे ना करना, उसको तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं अहमर की दुल्हन बनाऊंगी। हाँ, ज्यादती तो है, मगर मौसूफ पे इश्क का भूत जो सवार हो गया था। वैसे मेरी बहन में क्या कमी है? इतनी पढ़ी लिखी है, ताबीर से ज्यादा खूबसूरत है, इतना बड़ा खानदान है हमारा। पर नहीं, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, भला ताबीर के खानदान का और हमारे खानदान का क्या मुकाबला? कहाँ वो छोटे घर की मामूली सी लड़की, और कहाँ सारा। ताबीर जैसी लड़कियां होती हैं जो अमीर लड़कों को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसा कर सारी जिंदगी ऐशो आराम से गुजारती है। अब क्या फायदा इन बातों का, जो होना था वो तो हो गया। क्या हो गया भाई, सिर्फ निकाह ही तो हुआ है जो 3 लफ्जों की मार है। अच्छा छोड़ो ये बातें, बहुत थक गया हूँ, किसी नौकर को बोलो मुझे चाय बना। फहद, मैं आपसे प्लीज ना कहते फाइन।